Welcome back, students. And today we are going to learn very unique topic in AP. One more formula in AP, and AP is finished. We all know what is first term. हमको सबको पता है first term क्या है. First term A हम first term मानते हैं. ले लेते हैं. अगर A first term है, हमको पता है AN ये क्या है. ये जनरल टर्म है. ये जनरल टर्म है. और डी क्या है. कॉमन डिफरेंस है. डी क्या है. कॉमन डिफरेंस. अच्छा, तो ये कॉमन डिफरेंस है. अगर मैं फर्स्ट एंड टर्म का सम करूं, फर्स्ट एंड टर्म सम, या बोल सकते हैं लास्ट एंड टर्म का सम, तो कैसे करेंगे. तो जो टॉपिक है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी. क्या टॉपिक है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट और उल्टा करके लास्ट निकाल लेंगे. फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी. ठीक है, तो हमने कंसिडर क्या कर लिया, कंसिडर ये कर लिया कोई फर्स्ट टर्म ए है. फर्स्ट टर्म ए है तो यहां से जो फर्स्ट टर्म ए है तो ए वन क्या हो गया, ए वन तो ए हो गया भाई. ए एन के फॉर्मूले से क्या होता है, ए एन होता है मेरा ए फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन बी. तो ए वन में क्या होगा, ए वन में जब ए वन निकालूंगा तो मैं एन को वन रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा ए प्लस जीरो बी हो जाएगा. ऐसे ही जब मैं ए टू निकालूंगा तो मैं क्या रखूंगा, ए रखूंगा. और टू माइनस वन ये क्या हो जाएगा, ए प्लस वन डी. ऐसे ही ए थ्री की बात की तो ए थ्री ए प्लस थ्री माइनस वन डी क्या हो जाएगा, ए प्लस व्हाट टू डी. ए फोर क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी. ठीक, ये हो जाएगा. अच्छा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ. आपको सबको पता है क्या कर रहे हैं हम लोग, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और एन जनरल टर्म है. ठीक, हमको सम निकालना है. अच्छा, अगर मैं बात करूं यहीं पे, अगर फर्स्ट चार टर्म में जोड़ दूं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ऐसे ही तो जुड़ेगा सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म. तो इसको जोड़ूंगा ये क्या जुड़ेगा, आप देखो एक दो तीन चार, चार तो ए हो गया और ये क्या हो गया, मतलब जितने टर्म जुड़े उतने तो ए हो गए. और ये क्या हो गया, देखो डी कॉमन लिया तो ये सिक्स डी हो गया. ये निकालना है हम लोगों को. लेकिन जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो आप इसमें अच्छा कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ले लिया हमने, टू कॉमन ले लिया तो ये आ गया मेरे पास टू ए प्लस थ्री डी. अब कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, ये चार टर्म का सम है. ये क्या है, ये चार टर्म का सम है. तो बेसिकली ये तो हमने जोड़ के निकाला है, ये तो जोड़ के निकाला है, चार टर्म का जोड़ के निकाल दोगे. लेकिन अगर फर्स्ट एंड टर्म आ जाए, फर्स्ट एंड टर्म आ जाए तो उसका कैसे करेंगे. ठीक, तो इसको हम अलग लिख लेते हैं. इसको हम कहाँ लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं. क्या है सम, अच्छा सम को डिनोट करते हैं एस से. और चार टर्म का सम है तो क्या हो गया, टू इंटू टू ए प्लस थ्री डी. ये इसको हमने अलग लिख लिया. अच्छा, अब देखो जो ये सीरीज है, अगर मैं करूँ इसमें एन टर्म होते, कितने टर्म होते, एन टर्म. तो यहाँ पे हम करते क्या आता मेरे पास, कितने क्या आता मेरे पास, ये आता एंथ टर्म और बीच में ए फाइव ए सिक्स ए सेवन सारे आते बीच में आते कि नहीं आते. और फिर मैं अगर इसको जोड़ता तो एस एन क्या होता, अगर मैं जोड़ता तो एस एन क्या होता, देखो क्या होता, ए प्लस जीरो बी. ठीक, ए प्लस डी ए प्लस
थ्री डी, ये अलग अलग टर्म लिखे हैं, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म लिखा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा गैप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक। ऐसे होते 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 यहाँ यहाँ क्या आता, एन माइनस वन डी, इसके साथ ए के साथ आता कि नहीं आता, ठीक आता कि नहीं आता, ये आता। अच्छा, हमने पढ़ा है सम क्या होता है, सम हमारा कम्यूटेटिव होता है, हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। तो उल्टा अगर लिख लें इसको, अगर मैं इसी सम को एक बार उल्टा लिख लूँ, कैसे, ऐसे, मतलब उल्टा कैसे, एन माइनस वन ऐसे लिख दूँ और बाकी वैसे लिख दूँ, तो कैसे लिख दूँ, अगर मैं जो लास्ट टर्म थी उसको फर्स्ट के नीचे लिख दूँ, लास्ट टर्म थी उसके फर्स्ट के नीचे लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके पीछे वाली टर्म वो क्या होगी, वो होगी एन माइनस टू डी। बोलो कम हो रहा, तभी तो इससे कमी होगी ना, अगर इसका क्या मतलब है, इसके पहले वाली टर्म क्या रही होगी, इसके पहले वाली टर्म रही होगी एन माइनस टू डी, मैंने वही लिखा है, ठीक। अच्छा, करते 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 यहां पे लास्ट टर्म आएगी, क्या आएगी, ए प्लस जीरो डी, और ये टर्म यहां पे कहीं आएगी, कहां पे आएगी, ए प्लस डी, देखो जगह थोड़ी स्पेस कम है, मतलब ऐसे आएगी। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ऑन एडिंग, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, देखना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, अगर इन दोनों को अभी यहां पे जोड़ दिया जाए, तो देखो दो बार सम जुड़ा तो ये तो टू एस एन हो जाएगा, नो डाउट। इसको देखा तो देखो देखो जितनी बार एन है, ये देखो ये टू ए हो गया, और ये जोड़ के देखो आप डी, डी जोड़ के देखो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन डी हुआ, हुआ ये दोनों। अच्छा, ये तो टू ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो एन माइनस वन डी होगा कि नहीं होगा, भाई ये डी है, ये वो है, ऐसे ही इसके नीचे एन माइनस थ्री लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एन माइनस थ्री। अच्छा, यहां पे टू डी आएगा, यहां पे क्या आएगा, टू डी, सॉरी, तो इसके जो इसके नीचे जब थ्री लिखा होगा तो अगला टर्म भी क्या आएगा, टू ए प्लस एन माइनस डी, ऐसे जब इसको जोड़ेंगे तब भी यही आएगा, और आखिरी में जाते जाते जब आखिरी टर्म लिखेंगे तब भी क्या आएगा, टू ए एन माइनस वन डी। अच्छा, अब इसको देखो, टू ए कितनी बार आया है, टू ए आया है एन टाइम्स, एन माइनस वन डी कितनी बार आया है, वो भी आया है एन टाइम्स, कितनी बार आया है, एन टाइम्स, एन टाइम्स। तो अब हम अगर इसको मिटालते हैं, इसको मिटालते हैं, इसको मिटालते हैं, तो क्या हुआ, देखो क्या आया है मेरे पास, टू एस एन, और यहां पे हो गया टू ए एन प्लस एन एन माइनस वन बी, ये मेरे पास आ चुका है। अगर मुझे एसएन निकालना है तो मैं अगर इसको टू से डिवाइड करता हूँ, टू से डिवाइड करता हूँ तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, देखो टू से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी ए एन प्लस एन एन माइनस वन बी बाई टू। अच्छा, ऐसे फार्मूला, ये भी फार्मूला सही है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, हम इसमें से एन कॉमन लेते हैं, तो जब एन कॉमन लिया तो ये आ गया ए, और ये क्या आ गया, एन माइनस वन डी बाई टू। हम हाफ भी कॉमन ले लेते हैं, हाफ कॉमन लेने का क्या मतलब है, हमें टू का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब ये टू यहाँ बाहर आ जाएगा और अंदर वाला टू खत्म हो जाएगा, अंदर वाला टू खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास एस एन का सम है, देखो क्या सम है, एस एन का सम है, ये जो आ गया है ये फर्स्ट एन टर्म्स का सम है। सिंपली जब इसमें क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तब ऐसा होगा कि हम क्या करेंगे, कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन यही सम है, ठीक। तो मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे एक बार, आपने देख लिया होगा क्या है, अगर फर्स्ट एन, फर्स्ट फोर टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट फोर टर्म का सम निकालना है, तो देखो अगर फर्स्ट फोर टर्म का सम निकालना है तो डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं, एन की जगह हमने रखा फोर, एन की जगह हमने रखा फोर बाई टू। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, ए, ठीक,
एन की जगह क्या रखा, इस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं भाई, ये और कॉमन डिफरेंस डी है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो एस फोर क्या आएगा, इसको सॉल्व किया तो ये तो आ गया टू, अच्छा ये टू आ गया, ये भी टू आ गया, और ये क्या आ गया थ्री डी। तो मैंने यही चीज लिखी थी, ये फॉर्मूला अगर आपको डेरिवाइव करना आ गया तो आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अभी आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो ये रहा, ये फॉर्मूला सेम वही चीज है जैसे हमने निकाला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो चार टर्म का सम ये भी है, चार टर्म का सम ये भी है, ठीक। अब अच्छा एक चीज देख लो, अगर मेरे पास कोई सीरीज, मेरे पास क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये काउंटिंग की सीरीज है, काउंटिंग की सीरीज है, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हुआ, फर्स्ट टर्म इसका हुआ वन, ठीक। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस टू में से वन घटाया, क्या हुआ वन, वन हुआ। और मुझे कितने टर्म का सम निकालना है, एन टर्म का। तो देखो अगर फॉर्मूले में मैं पुट करता हूँ, फॉर्मूला में मैं पुट करता हूँ एन की जगह, तो एन ही आएगा, ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा मेरे पास वन, अच्छा एन की जगह तो यही रहेगा, डी की जगह क्या आएगा, डी की जगह आएगा वन। अब देखो क्या कन्वर्ट हुआ, अब आप खुद देखो, ये एन बाई टू, ये हो गया टू एन माइनस वन, अब ये एन से टू कटेगा तो क्या आ जाएगा, देखो क्या ये नहीं आ रहा है, इसको हम लोग रटते हैं, हमने कोई मैजिक कर देता है, कोई क्लास में आता है वो बोलता है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, या फर्स्ट दस नेचुरल नंबर का सम कितना होगा। तो क्या हुआ, एन की जगह हमने दस पुट किया, टेन प्लस वन बाई टू, टू से कटाई हो गया फाइव, और ये होने वाला है इलेवन, ये इलेवन होने वाला है, और इलेवन का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 55। तो देखो कितनी आसान हो गई, जिसको हम लोग ट्रिक बताते थे, जिसको हम लोग ट्रिक बताया करते थे, ट्रिक नहीं, वो एक फॉर्मूला है, दैट इज वन फॉर्मूला। तो आपके पास सिंपल एपी है, यू डोंट हैव डिफिकल्ट लेवल ऑफ एपी, यू डोंट हैव, यू हैव सिंपल लेवल ऑफ एपी, सिंपल एपी आपके पास। उसमें देखो एक फॉर्मूला और ऐड हो गया कि सम कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं, अगर इसी में हम फर्स्ट क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, इसी में अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का, या लेट अस ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो तो एपी दे रखी है, एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म अगर ए वन की बात करते हैं तो टू हो गया, क्योंकि एपी है तो डी बराबर कॉमन डिफरेंस होगा ही होगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया सेवन माइनस टू, ये फाइव हो गया। और हमको सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या होता है, फॉर्मूला हमने देखा था क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन द ब्रैकेट टू ए एन माइनस वन डी, ये सम होता है। तो पुट व्हाट, पुट एन इक्वल टू टेन, देयरफॉर एस टेन मतलब सम ऑफ फर्स्ट टेन नंबर्स ऑफ सीरीज, अच्छा तो ये तो टेन आ गया, टेन बाई टू, ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए की जगह रखेंगे टू प्लस एन की जगह क्या रखेंगे टेन माइनस वन, डी क्या है हमारा फाइव, डी क्या है हमारा फाइव। तो देखो भाई कट गया, ये हो गया फाइव, और ये क्या हो गया फोर प्लस 45, ये 49, फाइव जा कितना होता है 245, कितना इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका निकालने के लिए आएगा दो नंबर में, यू विल गेट दिस क्वेश्चन फॉर टू मार्क्स एट योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमको 12 टर्म का सम निकालना है, 12 टर्म का। तो हमको पता है ए क्या है, ए वन मतलब ए वन है हमारे पास 37, ए वन 37 है, ये ए वन होता है, ठीक है ए वन होता है मतलब फर्स्ट टर्म, या ए लिखो चाहे ए वन लिखो है, अच्छा कॉमन डिफरेंस बाद वाली टर्म से ये घटाया, क्या आया अगेन ये प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास ये फोर ही आने वाला है, ये हो गया 37, कितना आया फोर। तो फॉर्मूले में पुट कर दिया, 12 टर्म का सम 12 बाई
2 × −33 ठीक, प्लस 12 − 1 × 4 डी की जगह 4 पुट कर दिया, तो कैलकुलेट कर लो, ये तो हो गया 6, क्या हो गया 6 − 66 और ये 9 × 4 = 36 व्हाट 36 कितना आ गया, ये आ गया 6 × −30 क्या हो गया −180 तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म ए क्या है, A1 या A इक्वल टू 0.6, डी क्या है मेरे पास, हमने माइनस किया क्या आ गया 1.1, SN हमको पता है क्या होता है N/2 इन द ब्रैकेट 2 × A फर्स्ट टर्म प्लस N − 1 डी ऑन पुटिंग वैल्यूज, तो S कितना है 100, S 100 निकालना है तो N की जगह तो 100 पुट कर दिया, 100/2 अच्छा A की जगह क्या पुट किया ठीक, प्लस N − यही हुआ और डी हमने क्या निकाला था 1.1, तो ये तो हो गया 50, ये तो हो गया 50 अच्छा ये क्या हो गया 1.2 99 हो गया और 1.1 भाई ये तो हो गया 99 × 1.1, तो ये क्या आने वाला है करके देखो, ये जीरो जाएगा तो हम पहले डेसिमल हटा देते हैं, देखो ये जीरो मल्टीप्लाई हुआ तो हमने डेसिमल हटा दिया, तो ये हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये बच गया 12 और या आप लोग परेशान हो जाओगे, तो 50 रहने दो, अच्छा ये 50 है अच्छा, तो जब इससे हमने मल्टीप्लाई किया 9 × 9 = और कितना हो गया 108 ठीक, पॉइंट एक के बाद ये मेरे पास 50 × कितना हो गया 0.1 और फिर ये वाला 1 8 और कैरी कितना आ गया 11 और ये तो ये 0 से ये पॉइंट चला गया 5, मतलब आंसर आया 5 5 5 5, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, ये 18 आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारे पास 18 ठीक, ये 18 आना चाहिए, तो इसको दोबारा देख लेते हैं क्या हो गया मेरे पास 1 और फिर ये कैरी लगा, ये हो गया मेरे पास 0 और फिर क्या हो गया कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बेटा, कंफ्यूजन ये हमारा सही लिखा है बिल्कुल, हाँ क्या गड़बड़ आया है हमारा, ये 1101 अच्छा, और ये 0 चला गया तो क्या आ जाएगा 5 × 1101, आंसर क्या आ गया मेरा 5505 ओके, डाउट आ जाता है कोई बात नहीं देखा अच्छा, ए मेरे पास है यहाँ पे 1/15 और डी क्या है 1/12 में से 1/15 में माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आया मेरे पास 60, तो 5 − 4 मतलब 1/60, तो अगर मुझे एस 11 निकालना है तो मैं क्या रखूंगा, एन की जगह रखूंगा 2 × 1/15 एग्री अच्छा, प्लस 11/2/60 देखो ये चीज है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 11/2 तो हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास 2/15 और ये 10 आएगा तो मैं इसको ये 10/60 आएगा और ये इससे कट जाएगा, तो अंदर जो एलसीएम है, अंदर एलसीएम है वो क्या आएगा, अंदर एलसीएम आ गया मेरे पास 30, तो ये तो हो गया मेरे पास 4 और ये हो गया मेरे पास 5, ये हो गया मेरे पास 5 ठीक, तो जब ये 5 हो गया हम क्या जोड़ के लिखेंगे 11/9/30 तो ये 1/10 हो जाएगा, 1/10
हो जाएगा, देखो एक बार आप लोग। तो जब कटेगा वन टाइम्स और ये थ्री टाइम्स और टेन टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर 33/20। तो आपने देखा क्वेश्चन इतने टफ नहीं है जितने लग रहे हैं, क्वेश्चन इतने टफ नहीं है कि जितने टफ लग रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। सो वी फिनिश अवर दिस क्लास हेयर ओनली एंड यू हैव सीन हाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर, कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब हमको सम निकालना भी आ गया, जिनको हम ऐसे ट्रिक याद करते थे अब हम उनको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जैसा मैंने कहा वी डोंट रिक्वायर एनी मगिंग इन मैथमेटिक्स, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन योर डेली लाइफ एंड एपी इज अ सच सीक्वेंस सच टॉपिक विच प्रोवाइड्स यू सो मैनी रिलेशन विद योर डे टू डे लाइफ। वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और हमने सम निकालना सीख लिया है, हमने देखा कैसे हमने सम निकाला। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। आपको मजा आया होगा पढ़ने में, इंटरेस्ट लगा होगा। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू आर एंजॉइंग द स्टडीज।